आजकल साइबर सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द साइबर सिक्योरिटी ही क्रिमिनल्स का सबसे बड़ा वेपन है। आम लोगों को तो इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट, यूसेज ऑफ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड की प्रॉपर नॉलेज होती ही नहीं है, और इसी का फ़ायदा ये साइबर क्रिमिनल्स उठाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अकैडबडी अपनी साइबर सेफ्टी की वीडियोस को एक सरल भाषा में लेकर आया है, जिससे कि आप लोग साइबर विक्टिम होने से बच सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दीपक अपने परिवार में अपने बीवी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रहा था। वह कंपनी में क्लर्क की नौकरी करता था। उसे अपने घर को सजाने संवारने का बहुत ही शौक था, और इसके लिए वह बहुत व्यवस्थित रूप से चलता था और पैसे जमा करता था। एक दिन उसने एक सोफ़ा पसंद किया, पर वह थोड़ा महंगा था। तभी उसके दोस्त ने बताया कि वह अपनी पुरानी चीज़ें बेचकर ऑनलाइन कुछ पैसे का अरेंजमेंट कर सकता है। उसने अपना कुछ पुराना सामान ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर डाल दिया। तुरंत ही उसे इंक्वायरी आने लगी और एक कस्टमर 40K देने को तैयार हो गया। दीपक बहुत ही खुश हुआ। फ्रॉडस्टर, प्लीज़ शेयर योर अकाउंट नंबर जिससे मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे भिजवा सकूँ। दीपक, माई अकाउंट नंबर इज़ दिस। फ्रॉडस्टर, ठीक है, पहले मैं 100 रुपये भेज रहा हूँ, एक बार आप चेक कर लें कि आपने अपने अकाउंट में रिसीव किए हैं। फ्रॉडस्टर 100 रुपये दीपक के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। दीपक, रिसीव्ड एंड थैंक यू। अब आप बाकी की बैलेंस पेमेंट भी भेज दो, जिससे कि मैं आपको आपका सामान डिलीवर करा सकूँ। फ्रॉडस्टर एक UPI रिक्वेस्ट भेजता है 39,900 रुपीज़ की। दीपक लिंक पर क्लिक करता है। दीपक, ये तो पिन मांग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? फ्रॉडस्टर, आप चिंता मत करिए, डरने की कोई बात नहीं है। आजकल बैंक के नए नए रूल्स बन गए हैं, अगर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है तो आपको पिन एंटर करना पड़ता है। दीपक पिन एंटर कर देता है और उसी समय उसके अकाउंट में से 39,900 डेबिट हो जाते हैं। दीपक को रियलाइज होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो साइबर कंप्लेन करता है। इस कहानी का सबक ध्यान में रखिए, डोंट शेयर OTP टू अदर पर्सन, डोंट एंटर द UPI पिन टू अदर पर्सन। इस ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर चिटिंग की बात दीपक ने अपने दोस्त अर्जुन को बताई। अर्जुन ने अपने सभी घर के सदस्यों को यह बताया कि किस तरह उसके दोस्त के साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस में फ्रॉड हुआ था, और सभी को सावधानी बरतने का सुझाव दिया। कुछ दिन बाद अर्जुन की वाइफ भी कुछ अपना सामान ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर बेच रही थी, और उसे भी फ्रॉडस्टर का कॉल आया, जिसने उसी तरह जैसे दीपक को लिंक भेजा था UPI पेमेंट लिंक भेजा और पिन मांगा। क्योंकि अर्जुन की वाइफ को पहले से ही दीपक के साथ हुए फ्रॉड के बारे में पता था, जानकारी थी, तो वह तुरंत समझ गई कि यह फ्रॉडस्टर है और जनरल कस्टमर नहीं है, और इसी तरह वह दूसरों की गलती से सीखकर साइबर क्राइम का शिकार होने से बच गई। तो दोस्तों, जैसा कि नसीम निकोलस तैलेब ने कहा है, इफ़ यू सी फ्रॉड एंड डू नॉट से फ्रॉड, यू आर अ फ्रॉड। अगर आपको अपने आसपास कोई भी इस तरह के कंप्यूटर फ्रॉड साइबर क्राइम का पता चलता है, तो उसे अपने परिवार, रिश्तेदार और मित्रों के साथ शेयर करें और उन्हें जागरूक बनाएं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे हमारे नए वीडियो साइबर सेफ और अनसेफ प्लेलिस्ट में। थैंक यू।